क्षेत्रवार त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आ रही है वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां अंचल में बढ़ गई है और चुनावी प्रत्याशी जीतने के लिए मतदाताओं को लुभाने के किए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उन्हें लुभाने के लिए शराब, पैसे, साड़ी, मुर्गा जैसे कई सामान बांट रहे हैं। वहीं निर्वाचन आयोग द्वारा स्वच्छ एवं निष्पक्ष निर्वाचन कराने के लिए सभी निर्वाचन अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता का पालन कराते हुए शांतिपूर्ण तरीके से बगैर किसी भय या प्रलोभन के चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। इन्हीं निर्देशों के पालन में शनिवार को भीतरवार प्रशासन भी पूरी तरह चौकस नजर दिखाई दिया। इस दौरान प्रशासन के अधिकारियों को सूचना लगी कि किसी प्रत्याशी के द्वारा अपने पक्ष में मतदान कराने के उद्देश्य से गांव में बांटने के लिए शराब ले जाई जा रही है। उक्त सूचना की तस्दीक के लिए भीतरवार तहसीलदार श्यामू श्रीवास्तव, थाना प्रभारी प्रशांत शर्मा एवं नायब तहसीलदार कमल सिंह कोहली द्वारा प्रचार प्रसार में लगे वाहनों की छानबीन शुरू की। इस दौरान गोहिंदा गांव में बिना नंबर एक शिफ्ट निजाय कार में अवैध रूप से प्रत्याशी के द्वारा चुनाव में बांटने के लिए ले जाई जा रही 10 पेटी देसी शराब मिली। शराब की पेटी एवं शिफ्ट कार को जब्त कर उक्त युवक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने करीब 8 लाख रुपए का मशरूका बरामद किया है। भीतरवार मध्य प्रदेश से के शर्मा की रिपोर्ट, देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। जो अवैध शराब पर कार्रवाई की गई है, क्या कुछ कार्रवाई है? आज जब ग्राम भ्रमण के दौरान मोटर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति एक कार में बिना नंबर की कार में अवैध रूप से शराब बेचने के लिए ले जा रहा, तो मुखर सूचना पर पुलिस पार्टी ने उसको पकड़ा और उसमें 10 पेटी देसी प्लेन मदिरा शराब पकड़ी गई। एक आरोपी को पकड़ा, कुल मशरूबा करीबन 8 लाख रुपये जब्त किया।